तो गाइस आज मैं आईएस इन्फिनिटी स्टेटस एनिमे सीरीज़ के एपिसोड 4 का पार्ट 2 को हिंदी में यार एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो जाकर देख लीजिए, मेरे चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए अब ज़्यादा बताना वीडियो की तरफ बढ़ते, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा बताना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो कि खड़ा होता है धुआं के अंदर, तो वो कुछ देख नहीं पाता है कहाँ पर है वो अनआइडेंटिफाई आईएस। फिर अचानक से उस अनआइडेंटिफाई आईएस आकर हमारे एमसी को एक जोरदार मुक्का मारता है। सीन हमारा ऑडियंस की तरफ जाता है जहाँ पर ऑडियंस जिस दरवाजे से बाहर निकल सकता है, एग्जिट का दरवाजा वो लॉक कर दिया गया है। तो ऑडियंस लोग चिल्ला रहे हैं कि बाहर कैसे जाएंगे। फिर सीन सेलिका की तरफ जाती है जहाँ पर सेलिका ओरिमोना सेंसुके बोलती है कि आप गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कीजिए रीफोर्समेंट भेजने के लिए। तोरिमुना सेंसे इसकी जवाब देती है और बोलती है कि वो ट्राई कर रहे हैं। तोरिमुना सेंसे बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि हमारे स्कूल में जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, मतलब एकदम जैसे सबसे ज़्यादा जिन्होंने पढ़ा है, जिनकी सबसे ज़्यादा नॉलेज है, उनमें से जो टॉप है वो लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं सिस्टम लॉक को अभी, और सब यूनिट अंदर चले जाएंगे जैसे ही वो लोग प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ते हैं। तो सेलिका उदास होकर बोलती है कि तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हेल्पलेस हम लोग। तो ये सुनकर ओरिमुना सेंसे बोलती है कि नहीं, तुम ब्रेक में नहीं, दोनों कामों में तुम्हें लगेगा, तुम्हारा हेल्प लगेगा, सो डोंट वरी। तो ये सुनकर सेलिका बोलती है कि अब इसका क्या मतलब है। ओरिमुना सेंसे बोलती है कि ब्लू टीयर का जो इक्विपमेंट है वो यूजफुल होगा जब हम लोग आउट नंबर होंगे, वो लोग हिंड रेस में टर्न करेंगे जब तुम आउट नंबर साइड में होगे। तो ये सुनकर सेलिका बोलती है कि ये इम्पॉसिबल है कि मैं कैसे हैंड रेस कर सकता हूँ। तो ओरिमुना सेंसे बोलती है कि तुम कभी टीम कोऑर्डिनेशनल ट्रेनिंग किए हो, तुम्हारा रोल क्या है टीम में, तुम कैसे टीम को हैंडल करोगे, तुम कैसे एनिमी फोर्स को जज करोगे और सिरल ऑप्टिमिज्म टाइम का क्या। तो ये सुनकर सेलिका की हालत ख़राब हो जाती है और वो बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है। फिर सीन हॉकी की तरफ जाती है जहाँ पर हॉकी थोड़ा टेंशन में दिखाया जाती है। फिर सीन मैच की तरफ जाती है जहाँ पर रीन अपने आईएस से उस अनआइडेंटिफाइड आईएस के ऊपर फायर कर रही होती है और एक फायर लग भी जाता है। तभी रीन बोलते हैं इचिका अभी तुम्हारा चांस है। तो हमारे एमसी इचिका डायरेक्ट जाकर उसे हिट करने ही वाला होता है, लेकिन उसने डॉच कर दिया होता है उस अनआइडेंटिफाइड आईएस ने। लेकिन हमारा एमसी रुकता नहीं है, हमारा एमसी कंटिन्यूसली उसे अटैक करते रहता है, लेकिन वो एक भी हिट नहीं कर पाता। ये देखकर रीन गुस्सा हो जाती है और रीन बोलती कि इचिका तुम एम करके हिट करो बेवकूफ़, ये नंबर 4 अटैक था जो तूने मिस कर दिया। तो हमारे एम सी ये सुनकर बोलता है कि मैं एम सही से ही कर रहा हूँ। और तभी उसके आईएस के स्किन में उसके शील्ड एनर्जी को दिखाया जाता है जो कि 60% में घट चुका होता है। और हमारा एम सी खुद को ही बोल रहा होता है कि इस पावर लेवल के साथ वो सिर्फ एक ही बार बैरियर यूनिफिकेशन अटैक को कर पाएगा। और तभी वो अनआइडेंटिफाई आईएस हमारे एम सी और रिन के ऊपर फायर करने लग जाता है। तब रीन उस फायर को डॉच करती है, एमसी को बोलती है कि तो अब हम लोग क्या करें, हम लोग ऐसे जीत नहीं सकते, हमें कोई स्ट्रैटेजी चाहिए। फिर सीन हमारा एमसी की तरफ जाता है जहाँ पर हमारा एमसी भी उसके अटैक को डॉच करते हुए जा रहा होता है। और हमारा एमसी रीन को बोलता है कि अगर तुम भागना चाहते हो तो भाग जाओ। तो रीन बोलते हैं मैं भागने नहीं वाला, मैं ऐसे कैंडिडेट रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाऊँ। तो ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें कवर दूंगा एटलीस्ट। तो रिन ये सुनकर शर्मा जाती है और जैसे ही वो थैंक यू बोलने ही वाली होती है तभी उस अनआइडेंटिफाइड आईएस ने फिर से हमारे रिन के ऊपर एक फायर कर दिया होता है। और रिन उस फायर को डॉच तो कर लेती है लेकिन वो बोल नहीं पाता थैंक यू। हमारा एमसी रिन को बोलते कि फोकस करो, तो रिन बोलती है हाँ मुझे पता है। फिर उस अनआइडेंटिफाइड आईएस हमारा एमसी और रिन के ऊपर कंटिन्यूसली फायर करते हुए जा रहा होता है। और हमारा एमसी और रिन उन फायरों को डॉच करते हुए भाग रहा होता है, दोनों अलग अलग तरफ, मतलब दोनों दूसरे तरफ, एक राइट तो एक लेफ्ट। फिर अचानक से उस अनआइडेंटिफाइड आईएस ने फायर करना रोक दिया होता है और उस अनआइडेंटिफाइड आईएस जहाँ पर खड़ा होता है वहाँ से धुआं उठने लगता है। तो हमारे एमसी भी रुक जाता है और थोड़े ही दूर में आकर हमारा एमसी भी खड़ा होता है। फिर हमारे एमसी रिन को डिजिटल कॉल में बोलता है कि रिन तुम्हें इसका मूवमेंट मिराकल नहीं लग रहा। तो रिन बोलती है कि अरे क्या कहना क्या चाहते हो, ये तो एक आईएस है, आईएस मशीन है। तब हमारे एमसी बोलते अरे नहीं, तुम पॉइंट को मिस कर रहे हो, क्या सच में इस आईएस को कोई पायलट पायलटिंग कर रहा है, इस आईएस के अंदर असल में कोई इंसान है भी या नहीं। तो ये सुनकर रिन बोलती कि आईएस मूव नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर कोई पायलट ना हो। और रिन बोलना कंटिन्यू करती है कि तुमने अगर ये मेंशन कर ही दिया है तो ये अटैक नहीं कर रहा है जब हम लोग बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो हमारे बातें सुन रहा है। हमारा एमसी बोलता है राइट। तब रिन बोलती कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि उस आईएस के अंदर कोई बंदा ना हो।
आईएएस कोई इंसान के बिना मूव नहीं करता है, ऐसे ही आईएएस को बनाया गया है। फिर हमारा एमजी बोलता है, लेकिन कोइंसिडेंसली अगर इस आईएएस के अंदर कोई बंदा ना हो, कोई इंसान ना हो। तब रिन बोलती है, क्या? रिन बोलना कंटिन्यू करती है, बोलती कि तो तुम कहना चाहते हो कि हम इस अनमैन्ड आईएएस सूट से जीत सकते हैं? तब हमारा एमसी बोलता है, श्योर, अगर कोई भी उस आईएएस के अंदर ना हो तो मैं पूरा ताकत लगा सकता हूँ। तभी सीन हॉकी की तरफ जाती है, जहाँ पर हॉकी को हमें भागते हुए दिखाया जाता है। और फिर सीन रिन की तरफ आता है, जहाँ पर रिन बोलती है कि पूरा ताकत मतलब? तब हमारा एमसी बोलता है, राय रखू बाकुया, ये युकिहारा 2 का फुल ऑफेंसिव फॉर्म है। तभी हमारे एमसी का जो आईएएस है उस स्क्रीन में युकिहारा 2 को दिखाया जाता है। और हमारा एमसी बोलता है, युकिहारा 2 का पावर बहुत ही ज़्यादा है, मैं उसका पूरा ताकत यूज़ नहीं कर सकता, ना ही ट्रेनिंग में ना ही स्कूल टूर्नामेंट में। लेकिन अगर ये अनआइडेंटिफाई आईएएस जो उसके सामने है उसके अंदर कोई भी बंदा नहीं है तो वो पूरा ताकत यूज़ कर सकता है। तब रिन बोलती है कि रेडाकू बाकिया और कुछ भी हो उसका नाम, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि तुम एम नहीं कर सकते। फिर हमारा एमसी स्माइल करता है और बोलता है कि इस बार ये ज़रूर काम करेगा। तब रिन बोलते कि तुमसे बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन अगर ये कम्प्लीटली इम्पॉसिबल ही है तो हमें ये एज्यूम कर लेना चाहिए, मानना चाहिए कि उस आईएएस के अंदर कोई भी बंदा नहीं है और फुल पावर से अटैक करना चाहिए। तब हमारा एमसी बोलता है, ठीक है, तो तुम शॉक कैनन उसके ऊपर शूट करना जब मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा पूरी ताकत से। तब रिन बोलती कि हाँ मैं करूँगा, लेकिन शायद मैं मिस कर दूँ। लेकिन तब हमारा एमसी बोलता है कि हिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही हमारा एमसी बोलता है, रेडी अब चलो, तभी इचिका बोलकर कोई पीछे से उसे बुलाता है। तो जैसे ही हमारा एमसी पीछे देखता है, उसके पीछे हॉकी को दिखाया जाता है। हॉकी बोलती है कि अगर तुम सच में मर्द हो तो उस अनआइडेंटिफाई आईएएस को हराओ। हॉकी जैसे ही ये बोलना ख़त्म करती है, तभी वो जो अनआइडेंटिफाई आईएएस होता है वो हॉकी की तरफ देखता है। और हमारा एमसी बोलता है, ये काफ़ी बुरा होने वाला है, हॉकी भाग जाओ। तभी वो अनआइडेंटिफाई आईएएस अपने दोनों हाथों को उठाकर फायर करने वाला है। तब हमारा एमसी रिन को बोलती है कि तुम जल्दी से फायर करो, तो रिन फायर करती है। लेकिन रिन जैसे ही फायर करने वाली होती है, तभी हमारा एमसी रिन के सामने आ जाते हैं। लेकिन रिन जैसे ही फायर करने वाली होती है, तभी हमारा एमसी रिन के सामने आ जाता है। तो रिन बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे सामने क्यों? तो हमारा एमसी बोलता है कि जो भी हो तुम फायर करो। तो रिन बोलते हैं, ठीक है मैं फायर कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला। फिर जैसे ही रिन फायर करती है, उसका पूरा फायर जाकर हमारे एमसी की पीठ पे लगता है एकदम। फिर हमारा एमसी का जो आर्मर है ना, वो एकदम ग्लो करने लगता है। तब हमारे एमसी युकिहारा टाइप 2 को ऑन करके डायरेक्ट अनआइडेंटिफाई आईएएस से उसके ऊपर हिट करने जाता है। हमारे एमसी जाते जाते बोलता है कि मैं चिफ्यूनी हॉकी रिन सभी को बचाऊंगा, और हमारा एमसी हिट करता है। लेकिन वो भी मिस हो जाता है, और वो अनआइडेंटिफाई आईएएस डायरेक्ट एक बहुत ही ज़ोरदार पंच मारता है हमारे एमसी को, और हमारा एमसी नीचे जाकर क्लैश हो जाता है। तब सीन रिन की तरफ जाते हैं, जहाँ पर रिन बोलते हैं इचका। फिर जो वो अनआइडेंटिफाई आईएएस है, वो धीरे धीरे हमारे एमसी के सामने आकर हमारे एमसी के ऊपर टारगेट करता है। फिर जैसे ही वो हमारे एमसी के ऊपर टारगेट करता है, तो हमारे एमसी स्माइल करता है और बोलता है कि एम कैसा है। तब हमें सेलिका की आवाज़ सुनाई दे जाती है, जहाँ पर सेलिका बोलती है परफेक्ट। फिर हमें सेलिका के उस विंग्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर सेलिका उस विंग से फायर कर रहा होता है उस अनआइडेंटिफाई आईएएस के ऊपर। फिर हॉकी ये देखती है ऊपर, फिर ऊपर देखने के बाद उसे समझ में आती है कि सेलिका, लेकिन हॉकी बोलती है कि तुम यहाँ कैसे? तभी हमारा एमसी बोलता है कि जल्दी से उसे ख़त्म कर दो। फिर सेलिका बोलती है रॉजर, और सेलिका अपने बंदूक से एक ज़ोरदार फायर करते हैं उस आईएएस के ऊपर, और आईएएस के डायरेक्ट सेंटर में लगता है और वो आईएएस गिर जाता है। तब सेलिका बोलती है कि ये काफ़ी क्लोज था। तो हमारा एमसी बोलता है, मुझे पता था तुम ये कर लोगी। फिर सेलिका को डिजिटल स्क्रीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर सेलिका बोलती है, क्या सच में तुम्हें मुझ पर यकीन था? तो सेलिका थोड़ा शर्मा जाती है, कोई बोलती है कि ऑफकोर्स। तभी हमारे एमसी के स्क्रीन में वार्निंग लिखा हुआ जाता है, हमारे एमसी बोलते हैं क्या? तभी रिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर रिन बोलती है हमारे एमसी आईडेंटिफाई आईएएस जो है ना वो अभी भी मूव कर रहा है। फिर वो जो अनआइडेंटिफाई आईएएस है वो अपना एक हाथ उठाकर हमारे एमसी के ऊपर एम करके डायरेक्ट फायर करता है, और हमारा एमसी अपने एक हाथ से उस फायर को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। फिर फायर का इम्पैक्ट इतना था कि पूरा स्क्रीन वाइट हो जाता है। उसके बाद सीन इवनिंग के टाइम में आ जाता है, जहाँ पर शाम हो जाता है, और हमारे एमसी को हॉस्पिटल में लेटे हुए दिखाया जाता है, और उसके बाजू में रिन बैठी हुई रहती है। तो रिन हमारे एमसी को ऐसे लेटा हुआ देखकर एक चीज़ करने वाली होती है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं पाती। और हमारे एमसी उठ जाता है, और एमसी रिन को बोलता है, तुम कर क्या रहे हो? तो रिन बोलती है कि तुम उठ गए हो। तब हमारे एमसी रिन को बोलते हैं कि तुम इतना शर्माए हुए क्यों? तब रिन बोलते हैं, मैं शर्माए हुआ नहीं हूँ, तुम किसी भी कंक्लूजन में ऐसे मत आओ बेवकूफ़।
वर्तमान में एमसी बोलता है तो उस आईएएस का क्या हुआ? तो रिन बोलती है कि वो आईएएस काम करना बंद कर दिया और हम लोगों में से सिर्फ तुम ही हो जो इंजर्ड हुए, तो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। तो वहाँ एमसी बोलता है ओ अच्छा। और एमसी बोलना कंटिन्यू करता है, बोलता है कि रिन जब हम लोग ग्रेड स्कूल में थे तब हम लोग ऐसे ही इवनिंग के टाइम में स्वीट और सॉर्ट पॉक के बारे में हमेशा बातें करते थे। बोलती है कि क्या फिर सीन कहानी एकदम बैक स्टोरी पे जाता है जहाँ पर हमारा एमसी और रिन को ग्रेड स्कूल के टाइम में दिखाया जाता है, जहाँ पर रिन हमारा एमसी को बोल रही होती है कि अगर मैं कुकिंग में बेटर बन जाऊँ तो तुम मेरे हाथों का स्वीट और सॉर्ट पॉक रोज खाओ। क्या फिर कहानी प्रेजेंट टाइम पे आता है जब हमारा एमसी रिन को बोलता है कि क्या उस प्रॉमिस में कोई मतलब अलग मतलब था, डिफरेंट मतलब था? हमारा एमसी बोलता है कि मैं सच में सोचा था कि तुम मुझे हर रोज़ फ्री फूड खाओगे। तो ये सुनकर रिन बोलता है नहीं तुम बिल्कुल सही हो। तो रिन बोलते कि मैं खाना ज़्यादा अच्छा बना पाऊँगा अगर कोई उस खाने को खाए। ये बोलकर रिन हंसने लगती है अजीब से। तब हमारा एमसी बोलता है मैं तुम्हारा स्वीट और सॉर्ट पॉक खाना चाहूँगा आगे, तुम्हारा फादर का कुकिंग बहुत ही बढ़िया है। तो ये सुनकर रिन थोड़ी उदास हो जाती है और बोलती है कि हम लोग अब और बिजनेस नहीं करते, हमारा और कोई दुकान नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है। तो हमारा एमसी ये सुनकर बोलता है कि क्यों? रिन बोलती है कि मेरी पेरेंट्स अलग हो गए इसीलिए मैं अपने कंट्री में वापस आ गया। तो ये सुनकर हमारा एमसी भी थोड़ा चुप हो जाता है और थोड़े सेकेंड के बाद हमारे रिन को पूछता है कि हम लोग कभी घूमने जाएंगे एक साथ। तो रिन खुश हो जाती है और बोलती है कि क्या ये एक डेट है? तभी दरवाज़ा खोलकर सेलिका आंखें बंद करके बोलने लगती है कि मैं आ गया हूँ, तुम्हारा ख्याल रख। और वो ये लाइन फिनिश भी नहीं करती, रिन को देखकर रुक जाती है। तब सेलिका गुस्सा हो जाती है और रिन की तरफ गुस्से से आकर बोलते है कि तुम इधर क्या कर रहे हो? लोगों ने ये एग्री किया था ना, जब तक ईचिका उठेगा नहीं तब तक हम में से कोई भी नहीं आएगा। तभी होकी भी आ जाती है। होकी सेलिका को बोलती है कि ये रूल तुम्हारे लिए भी इक्वली अप्लाई है, तुम यहाँ पर आ गए मुझे बिना बताए। तब ये सुनकर सेलिका बोलते कि वो बोलने से पहले रिन गुस्सा हो जाते हैं। रिन बोलते तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, मैं उसका चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। तब होकी आकर बोलते कि मैं भी हूँ। तब सेलिका बोलती है रिन को कि तुम क्लास टू में हो। तब ये सब देखकर हमारे एमसी पूछता है उन लोगों को कि चीफ यूनी कहाँ पर है। सेलिका बोलती है कि तुमने मेंशन कर ही दिया है तो कहाँ है चीफ यूनी? तब होकी बोलते कि वो हमारे साथ ही था थोड़ी देर पहले। फिर सीन एक रिसर्च टाइप की लैब में जाता है जहाँ पर उस अनआइडेंटिफाइड आईएएस को लेटा हुआ दिखाया जाता है और यमादा सेंसी उस पर ऊपर काम कर रही होती है और यमादा सेंसी के पीछे ही ओनमुना सेंसी खड़ी रहती है। तो उसके बाद यमादा सेंसी बोलती है कि इस आईएएस में कोई भी इंसान नहीं है, ये कोई अनरजिस्टर्ड कोड से यूज़ किया जा रहा था। तो ओनमुना सेंसी ये सुनकर बोलते ओह। तब यमादा सेंसी बोलते कि दुनिया में से 467 आईएएस कोड है लेकिन इस अनआइडेंटिफाइड आईएएस को जो पावर दे रहा था वो कोई डिफरेंट कोड है। तब यमादा सेंसी बोलते कि चल क्या रहा है ये सब। फिर सीन ओनमुना सेंसी की तरफ जाता है और यहाँ पर ही एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है यार। तो एपिसोड 5 का पार्ट 1 नेक्स्ट मंडे आ जाएगा यार सुबह। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वही सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। बाय, सी यार।